यूपी के अवैध मदरसों पर भी योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। मदरसों के सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सर्वे में 11 बिंदु रखे गए हैं जिन पर मदरसा संचालकों से पूछताछ और पड़ताल की जाएगी। लेकिन अलीगढ़ से लेकर देवबंद तक मदरसों में जांच टीमों ने पहुंचना शुरू कर दिया, मदरसा संचालकों से सवाल पूछने शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच यूपी के अमेठी में एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर भी चलाया गया है। तो अब कई सवाल जिनके लिए अब अलग अलग जगहों पर सर्वे होगा, उनके जवाब खंगाले जाएंगे। संचालन करने वाली कौन सी संस्था, छात्रों की कुल संख्या क्या है, शिक्षकों की वहां पर कुल संख्या क्या है, इस नजरिए से अब ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। और मदरसे का नाम, छात्रों की कुल संख्या, मदरसे का पाठ्यक्रम क्या है, मदरसे की आमदनी का जरिया क्या है, गैर सरकारी संस्था से क्या संबंध है इन मदरसों का, ये सर्वे इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द आगे होने वाले हैं। हालांकि ये सर्वे का काम चल रहा है, घमासान बिछड़ता नजर आ रहा है। यूपी में गैर मान्यता वाले मदरसों की पूरी फाइल खंगालने की तैयारी कर ली गई है। सारे मदरसों का 9 पॉइंट के हिसाब से सर्वे किया जाएगा और जल्द ही सरकार को इसमें रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार की दलील है कि मदरसे में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यह पहल की जा रही है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार बेवजह मदरसों में दखल दे रही है। कई शहरों में टीमें मदरसों की पड़ताल के लिए पहुंच गई। अमेठी में तो अवैध मदरसों को ढा दिया गया। मदरसों से 12 पॉइंट पर जानकारी मांगी जा रही है। अवैध मदरसों पर योगी सरकार का एक्शन शुरू। मदरसों पर योगी सरकार के सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार। 11 बिंदुओं पर होगा यूपी में मदरसों का सर्वे। मदरसों में जांच पड़ताल के लिए पहुंचने लगी टीमें। क्या अवैध मदरसों पर अब बुलडोजर चलने की बारी है? सोसाइटी में ये हो रहा है कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। जी हाँ, मुस्लिम नेताओं ने मदरसों को लेकर मदरसा संचालकों में जो डर बिठाया, क्या वो सच हो रहा है? सबसे पहले आपको यूपी के अमेठी लिए चलते हैं। तस्वीरें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की है। यहाँ एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया है। आप देख सकते हैं मदरसा मलबे में तब्दील हो चुका है। ये मदरसा चारागाह की जमीन पर बना हुआ था जिसे पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ढहा दिया गया। मदरसे आतंक का अड्डा है, उनकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर आज बैठक की गई जिसमें मदरसा बोर्ड के सचिव और बाकी सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के डायरेक्टर से लेकर लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन के SDM, ADM लेवल के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और मदरसों के सर्वे को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया। सर्वे किस तरह से किया जाएगा उसके लिए बाकायदा 11 बिंदु बनाए गए हैं। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल करने के लिए अवैध मदरसों में एक 6 सदस्यीय टीम जाएगी। ये पड़ताल करेगी कि आखिर मदरसों में क्या चल रहा है। लेकिन इस सर्वे पर मुस्लिम उलेमाओं को घोर आपत्ति है। मेरा यही मानना है कि जो भरोसा सरकार की जानिब मुसलमानों का बढ़ रहा था, इस मशवरे के बाद और इस हुक्म के बाद कहीं ना कहीं उसको भी ठेस पहुंची है। आज मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है ये वो मौलाना अगर बन गया तो दूसरे बच्चे को भी मौलाना बनाने का काम करता है। वो ना कोई वकील बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। तो सरकार की जो चिंता है ऐसे बच्चों के लिए है कि वो देश की मुख्यधारा में आकर के इस देश की ताकत बने, ना कि कमजोरी। अब आपको दिखाते हैं कि मदरसों के सर्वे के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने जो 11 पॉइंट तैयार किए हैं जो मदरसा संचालकों से पूछे जाएंगे। पहला, मदरसे का नाम। दूसरा, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम। तीसरा, स्थापना वर्ष। चौथा, मदरसे की आवृत्ति का संपूर्ण विवरण कीजिए अथवा किराए के भवन में चल रहा है। पांचवा, क्या मदरसा की इमारत छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, सुरक्षित है, पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय है। छठा, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की कुल संख्या कितनी है। सातवां, मदरसे में स्कूल शिक्षकों की संख्या कितनी है। आठवां, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है। नौवां, मदरसे की इनकम का सोर्स क्या है। दसवां, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं।
ग्यारहवां, क्या किसी गैर सरकारी समूह संस्था से मदरसे की संबद्धता यदि की गई है तो उसका विवरण दें। हम आपको बता दें कि सर्वे में रखे गए 11 बिंदुओं में से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मदरसा संचालकों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट हैं 8वां, 9वां और 11वां। मतलब मदरसा में पाठ्यक्रम को लेकर कोई एक निर्धारित फॉर्मेट नहीं है। कई मदरसों से बच्चों के बीच कट्टरपंथी सोच के विकास की बात कही जाती रही है। ऐसे में सिलेबस को लेकर सबसे अधिक दबाव में मदरसा संचालक बताए जा रहे हैं। मानों का हरेसमेंट किया जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। और मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि मदरसों से पहले आप मठों की जांच करवा लीजिए, आश्रमों की जांच करवा लीजिए, इल्लीगल जमीनों पे जो बनी हुई मनादिर है उनकी जांच करवा लीजिए। हमारे मदरसे ना आपसे पैसा मांगते हैं, ना हमारे मदरसे आपकी जमीनों पर है। मदरसों के सर्वे का जो प्रयास है वह वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास है, और उस शिक्षा व्यवस्था के सुधार के प्रयास को लेकर के जो सवाल करते हैं वो केवल तुष्टिकरण की राजनीति करके उन गरीबों को, उन बच्चों को पढ़ने से वंचित करना चाहते हैं जो आधुनिक शिक्षा पा सकते हैं, तकनीकी शिक्षा पा सकते हैं, और उनके जीवन का सही मायने में जैसा विकास आज चाहिए वो विकास हो सकता है। सरकार की मंशा एकदम साफ है, अच्छी है। लखनऊ में सर्वे को लेकर मदरसा बोर्ड की बैठक बाद में हुई, उससे पहले ही यूपी में जगह जगह मदरसों की छानबीन करने के लिए टीमें निकल गई। तस्वीरें अलीगढ़ की, बेसिक शिक्षा विभाग और तहसील की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ के जौहरबाग के फैज़े मुस्तफा मदरसे में पूछताछ की। गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 बिंदुओं पर, 12 पैरामीटर्स पे उनके डाटा हमें कलेक्ट करना है, तो उसके तहत ही हम यहाँ डाटा कलेक्ट करने आए थे। यूपी के देवबंद में भी जकरिया मदरसे का निरीक्षण किया गया। अब असली सर्वे 13 सितंबर से शुरू होगा। टीमों को आदेश के मुताबिक 11 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लेना है। ये टीमें 25 अक्टूबर तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को देंगी। ओवैसी मदरसों के इस सर्वे को छोटा एनआरसी बता चुके हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक के रिपोर्ट।